हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आजकल राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। दोस्तों समय पर मिला न्याय न्याय माना जाता है, उत्तम न्याय माना जाता है, लेकिन देरी से न्याय में अगर देरी हो तो अन्याय माना जाता है। दोस्तों अब तो भक्तों की हालत पर भी हमें तरस आने लगा है, क्योंकि उनको भी मिला तो क्या, सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख मिलते जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब पर तो पहले ही ताला लग चुका है। अब तो सिर्फ मंदिर वहीं बनाएंगे, गोमूत्र और गोबर का ही सहारा बचा हुआ है इनके पास। दोस्तों तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। दोस्तों प्रभु श्री राम व माता सीता से बैर रखने वाला हर वो व्यक्ति आपका शत्रु है, भले ही वो आपका परम मित्र या फिर कोई ही क्यों ना हो। दोस्तों मेरा सरकार से ये सवाल है, दलितों को खुश करने के लिए SC ST एक्ट पर अध्यादेश लाया जा सकता है, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश लाया जा सकता है, तो फिर 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर पर अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता है। दोस्तों या फिर आप सत्ता की इस लालच में भगवान श्री राम को ही भूल गए हो। दोस्तों भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से एक जगह कहते हैं, भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ करवा सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुख से वह बात नहीं करता। भगवान श्री राम उस समय लक्ष्मण से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, जिस समय मनुष्य कंगाल रहता है उस समय वो उत्पात नहीं करता है, लेकिन धन यानी कि सत्ता आने के बाद वह वहीं उत्पात करना चालू कर देता है। यानी कि भगवान जी बताते हैं कि सुग्रीव को जब वो राजपाट दिला देते हैं बाली से, सुग्रीव अपने महलों में मौज मस्ती में मस्त हो जाता है। भगवान राम उस टाइम कहते हैं, वो सिचुएशन आज की सिचुएशन से बिल्कुल मिलती जुलती है। दोस्तों आगे आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों इनसे अगर पूछो कि काले धन पर क्या हुआ तो कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। 2 करोड़ कर्मचारियों का क्या हुआ तो मंदिर वहीं बनाएंगे। महिला सुरक्षा का क्या हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे। राफेल पर जवाब मांगो तो मंदिर वहीं बनाएंगे। हर मर्ज की है एक दवाई, अयोध्या राम मंदिर मेरे भाई, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा मेरे भाई। न सुप्रीम कोर्ट के जज राम मंदिर मामले में फैसला कर पाएंगे, न भारत के नेता एकजुट होकर के मंदिर पर कोई कार्य कर पाएंगे। वो मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएंगे, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाएंगे, और आपसे और हमसे पूरी देश से सिर्फ वोट मांगने आएंगे। पहले वो ये बताएं कि मंदिर पर कानून लाएंगे या सिर्फ भगवान को तंबू में ही रहने के लिए छोड़ देंगे। वो मंदिर पे अध्यादेश लाएंगे, श्री राम जी भव्य मंदिर पाएंगे, या फिर वो ऐसे ही तंबू में रह जाएंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 मिनट में कह दिया राम मंदिर की अगली सुनवाई जनवरी में होगी, लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तारीख टालने का कोई ठोस कारण नहीं बताया हमें। हमें अभी तक ये नहीं बताया है कि किस रीजन से वो इसको टाल रहे हैं। मंदिर मत बनाओ, पटाखे मत जलाओ, समलैंगिक संबंध बनाओ, पराए स्त्री को पटाओ। दोस्तों ये चौपट व्यवस्था है क्या, ये न्याय व्यवस्था है या मुगलों का मैखाना है कि कहीं कुछ भी करोगे आप। दोस्तों ये कहते हैं कि भगवान राम हमारे लिए सब कुछ है, मगर भगवान राम की ही बातों को ये भूल गए। वे कहते हैं ना
रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मगर इन्होंने सत्ता की लालच में अपने बचन को तोड़ दिया है, यानी अपने वादे को तोड़ दिया है, यानी कि भगवान राम के खिलाफ गए हैं ये। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।